महिला अगर कोई गैर आदिवासी पुरुष के साथ शादी विवाह कर लेता है तब भी जिंदावन आदिवासी रहता है, उसका जन्म हो आदिवासी नहीं होगा लेकिन वो जब तक जिंदा रहेगी वो आदिवासी रहेगी। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था हमारे लोग रामायण महाभारत गीता कुरान बाइबल पढ़ते हैं उसके साथ साथ अगर संविधान पढ़ लिए होते तो इतना दुखी नहीं होते। फंडामेंटल राइट आपको जो संविधान में मिला हुआ है आप अपना भाषा संस्कृति भूलते जा रहे हैं। अभी हम जो समाज में देख के बहुत खुशी हुआ यहाँ का खान पान जलपान गीत रीत नाच गान सब आदिवासी का, गलती कहाँ हुआ हम इसका समर्थन करते हैं, गलती कहाँ हुआ है? गलती हुआ है जब आप चेरो थे खतियान आपके बाप दादा ने नहीं लिखा, उस समय हमारे बाप दादा पढ़े लिखे नहीं थे, खतियान लिखने वाला कोई दूसरा था, लेकिन हम तो जानते थे हम चेरो हैं। आप अपने नाम अपने आधार कार्ड अपने बाल बच्चा के एडमिशन में आपने अगर चेरो लिखा होता तभी परेशानी नहीं होता। फिर भी आपने एक सवाल किया था कि लोहरा के खदियान में लोहार है लेकिन आप लोग कैसे ले लिए, हम लोग को भी उपाय बताइए। उपाय है लेकिन थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। हमारे साथ क्या हुआ, लोहार और लोहरा दो अलग अलग जाति है, लोहार पिछली जाति में आता है लोहरा आदिवासी में आता है, लेकिन दोनों के खदियान में लोहार लिखा हुआ था। लोहार का भी दुगो गोड़ हाथ मुकाम होता है, लोहरा का भी दुगो गोड़ हाथ मुकाम होता है, लोहार भी भात रोटी खाता है लोहरा भी खाता है, लोहार भी भात कपड़ा होता पहनता है लोहरा भी पहनता है, कैसे छाटे भाई कौन लोहार है कौन लोहरा है, मामला जटिल है कि नहीं है। अब आप लोग खदियान में तो रोटियां है ही है, आप लोग भी अपने नाम क्या के रोटियां लिखी है, ये बड़ा गलती हुआ। लेकिन एक उपाय बता के जा रहे हैं, हम तो बहुत कुछ आप लोग को देना चाहते थे लेकिन आप लोग लेने के लिए तैयार नहीं थे, हमको घंटा टू घंटा बोलने वाला आदमी है। फिर भी आप लोग जितना भी चेरो समाज के लोग हैं गुमला लोहरदगा सिंहदेगा पलामू सब कोई जनगणना कराइए, सूचीबद्ध कराइए, उसको अपने से कीजिए समाज की तरफ से कीजिए और इस मामला को ले जाके सरकार के पास रखिए और कहिए कि TRI ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट मोराबादी रांची से हमारा शोध करा दी। लेकिन रोहतिया से अगर आपका रहन सहन रीति रिवाज पूजा पाठ देख जो जुटता होगा तो फिर दिक्कत होगा आपको बता दें। आप लोग अगर शादी या छठी पर ही नामकरण में पंडित ब्राह्मण बुलाते होंगे तो वही लोग यह खड़ा होकर कहेगा कि नहीं लोग भूत पंडित से कहा था, उस समय आपको दिक्कत होगा, आप उससे अलग है आपको दिखना पड़ेगा। अगर कल तक नहीं जानते थे तो अभी से शुरू कर दीजिए। आज आदिवासियों का ब्राह्मणीकरण हो रहा है उसमें लोहरा भी पीछे नहीं है लोहार भी पीछे नहीं है, हम अपने बारे में बोलते हैं लेकिन फिर एक सुकून होता है ना, तो एक दिन में कोई समाज बिगड़ा है ना एक दिन में बनेगा, बिगड़ने में समय लगा है तो बनने में भी लगेगा। अभी यहाँ रोहतिया समाज के लोग जीरो समाज के लोग अपने घर में बजरंग बली का झंडा गाड़े हुए वो दिन रात हिंदू 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 कर रहे, आप आदिवासी का प्रमाण पत्र दीजिए कह रहे हैं मिलेगा, आप दशहरा पूजा कर रहे हैं जहाँ आप ही के पूर्वज को मारा गया उसी का पूजा कर रहे हैं, आप ही को नचवा रहा है, आप यहाँ के राजा थे मेदिनी राजा और मदरा मुंडा हम लोग यहाँ के राजा थे, आज हमको कंगाल कर दिया गया, 5000 साल तक हमको पढ़ने लिखने नहीं दिया, हमको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, शासन सत्ता का अधिकार नहीं था, कुआटाड़ी में पानी पीने का अधिकार नहीं था, मंदिर में घुसने का अधिकार नहीं था, हमको अधिकार वंचित बना के रखा। तो धन्य हो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर,
जिन्होंने भारतीय संविधान में हम लोगों को बराबरी का अधिकार दिया,